जय माता दी। आज है नवरात्रि का पहला दिन और आज मैंने की है घर पूजा, जो पूजा स्थान है वहाँ की साफ़ सफाई, क्योंकि आज मैंने नहा वहाँ लिया सुबह में ही, सारे घर की क्लीनिंग करके साफ़ सफाई करके झाड़ू पोछा, और उसके बाद फिर मैं नहा ले के नहाने के बाद आज जो पूजा घर का जो स्थान है वहाँ का जो है सारा मैंने साफ़ किया, और भगवान जी सबके कपड़े जो है वो मैंने धोए। और यही सब करने के बाद फिर मैं छत पे फूल पौधों में पानी पटा दी थी, और पानी डालने के बाद फिर जो फूल है वो तोड़ लूँगी, क्योंकि आज पहला दिन है और पूजा करने के लिए। देखिए कितने सुंदर माता जी को यहाँ पे गुड़हल का फूल लाल रंग का खिला हुआ था और बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं खुद से ही रिकॉर्डिंग कर रही थी और खुद से ही मतलब तोड़ रही थी, तो नहीं बन रहा था एक हाथ से कैमरा पकड़ने में और मतलब शूट करने में। मैंने किसी तरह से अपना काम किया और यहाँ पे पहले सबसे पहले नहाने के बाद मैंने भगवान जी का जो है वो कपड़े साफ़ कर दिए थे। और चूहा जो है मेरे घर में बहुत ही आतंक मचा के रखे हैं, तो चूहा जो है वो सारे मतलब वहाँ पे भगवान जी के पास जो भी कपड़े होते हैं, कागज़, दिया बत्ती, सब सब काट दिए थे, और वह सब साफ़ सुथरा करने में बहुत टाइम लगा। वो आपको आगे वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये फूल सब जो है वो बहुत मतलब जो भी खिले थे मैंने उसको तोड़ लिया, और काफ़ी अच्छे लगते हैं फूल यहाँ पे। और पापा जी नहीं हैं तो मैं यहाँ पे फूल तोड़ती हूँ और पूजा के लिए यहाँ पे। तो ये देखिए पहले, और यहाँ पे फूल बहुत अच्छे खिले हुए थे, सभी फूलों को मैंने तोड़ लिया और काफ़ी अच्छे लग रहे थे फूल सब। तो फिर से मैं फूल तोड़ लूँगी और उसके बाद पानी डाल दूँगी पौधों में, और यहाँ पे कितने सारे फूल हो गए थे अब, और अच्छा लग रहा था। और पानी डालने के बाद फिर मैं नीचे जाऊँगी, साफ़ सफाई करूँगी, और उसके बाद फिर मैं पूजा करूँगी, आरती करूँगी माता रानी का। तो यहाँ पे आ गए थे मैं आ गई थी मैं नीचे, तो यहाँ पे पूजा मैंने कर रही थी मैं नहा के, और सारे भगवान जी को पहले गंगा जल से और सब जगह गंगा जल से छिड़क के, फिर सारे कपड़े सूख गए थे और नए कपड़ा जो नया चुनरी है वो माता जी को ओढ़ा दिया है मैंने। तो इसी तरह से पूजा करेंगे तो आप लोग देखिए, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और माता रानी सबके घर में आए और हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखेंगी माता रानी, और आप सब पे भी सब पर कृपा बनाए रखे माता रानी। और सब लोग अपने घर में अपने अपने घरों में पूजा करेंगे कर रहे होंगे, और सब लोग माता रानी को जिसको जैसे अपना आता है, जैसे समर्थ है, उस ढंग से अपना पूजा पाठ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे क्लीनिंग कर लिया था, बर्तन जो भी है पूजा के, फूल ये सब, और सब यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी। तो देखिए आप लोग, आरती कर लूँगी। और तो ये वीडियो थोड़ा लेट से जा रहा था क्योंकि मेरा जो तबीयत है वो ठीक नहीं था, खैर कोई बात नहीं है। तो चलिए आप लोग देखिए।
तो आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए माता रानी का, और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने पूजा कर लिया, आरती कर लिया, और अब माँ को क्षमा प्रणाम कर लेंगे, क्षमा मांग लेंगे कि जो भी हम लोगों से गलती हुई है माफ़ करें माता जी। तो इसी तरह से मैंने की पूजा, और आप लोग कैसे किए ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और हम लोग सब अपने अपने घर में किए। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए।